पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से चर्चा बिहार में जबरदस्त होने लगी है। ये चर्चा है नीतीश कुमार के कमेटी का, तो दूसरी तरफ ये चर्चा है नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने और तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने। इस कड़ियों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो एक तरफ जहां राजनीतिक चर्चाएं गर्मा गई हैं, कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी अपना हाथ पांव मार रहे हैं कि नीतीश कुमार से अगर हाथ छूटा तो वो क्या करेंगे। 2017 की तरह अगर नीतीश कुमार ने हाथ झटका तो उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। नीतीश कुमार के लिए तो रास्ता बना हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव उसके बाद क्या करेंगे। वो तेजस्वी यादव जो ये जानते हुए कि उन्हें इस बार जब मौका मिलेगा तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सहजता से पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसी दिशा में वो काम भी कर रहे थे और उनके ए टू जेड फार्मूला पर लोग अब भरोसा भी करने लगे थे, जिसका नतीजा था कि कई उपचुनाव हुए जिसमें तेजस्वी यादव ने अपने दम पर अपने उस प्रभाव को और उस काम को स्थापित रखा। लेकिन अचानक से एक फैसला होता है और उस फैसले में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव आते हैं। कहा तो यह जाता है कि इसमें बहुत सारे लोग नाराज भी थे, जिनको नाराजगी को भी दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया कि सरकार में आना है। अब जब सरकार में आ गए तो उसके बाद से नीतीश के कूप का भाजन बनना पड़ा और नीतीश कुमार के जो काम करने का तरीका है उससे असहज भी हुए, लेकिन तब भी उन्होंने सरकार के साथ चलने का फैसला किया और नीतीश कुमार के उस हर फैसले को स्वीकार किया। अब उसके आगे के स्टेप की बातें शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां ये चर्चाएं खूब चल रही थी कि तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया सकते हैं, लालू प्रसाद कुर्सी से उतार करके तेजस्वी यादव को बैठा सकते हैं, सारा भीतर ही भीतर प्लान चल रहा है, लेकिन इन सब से अलग तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के 18 साल के शासन पर अपने 8 साल के अनुभव को कहीं ना कहीं लागू किया है। इसे चस्पा करने के बाद अब लोग उस दिशा में सोचना शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली गए, उससे पहले लालू प्रसाद दिल्ली से होकर के आए थे, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाते हैं और जा करके वो सिर्फ एक काम करते हैं, हालांकि एक काम उनका व्यक्तिगत है लेकिन दूसरा काम राजनीतिक जो करते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने चले जाते हैं। इसकी चर्चाएं खूब होती हैं, कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन साइलेंटली तेजस्वी यादव ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो डील उन्होंने फाइनल की है, सारा सब कुछ सेट कर दिया है, ये नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के 18 साल के शासन पर भारी पड़ने वाला है। आपको पता है कि नीतीश कुमार की यूएसपी क्या है। नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, राजधानी पटना में कहीं से भी आप 4 से 5 घंटे के अंदर में आ सकते हैं, ये नीतीश कुमार की यूएसपी है। सबसे पहला धावा तो तेजस्वी यादव ने इसी पर बोला। बाकी सब चीज़ें कॉमन हो जाती हैं जब आपके पास कम्युनिकेशन का साधन होता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में अगर आपको उस वक्त कम लगता है तो निश्चित रूप से उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं, व्यापारिक से लेकर के अन्य चीज़ों पर। दूसरा, हर कोई सबसे पहले निरोगी काया, तेजस्वी यादव के हाथ में वो भी है। स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के पास है और सड़क परिवहन विभाग भी तेजस्वी यादव के पास है। अब ये दोनों विभाग जो आम जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं तेजस्वी यादव के पास है, और इन दोनों विभागों में चाहे वो आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव का रात में औचक निरीक्षण करना, समस्याएं जटिल हैं तो उसे सुधारने में भी समय लगेगा। मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता से, संपादक नमन मिश्रा जी ने बात किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, एक बड़े नेता से मैं बात कर रहा हूं, जगतानंद सिंह, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि समस्याएं इतनी विकराल हैं कि जिसे सुधारने में, संवारने में और सही ट्रैक पर लाने में वक्त लगेगा। हालांकि जो वक्त लगना चाहिए उससे कम वक्त में हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और इसी का नज़ारा देखने को मिला जब तेजस्वी यादव दिल्ली गए, नितिन गडकरी से मुलाकात किया। जब नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात किया तो इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे थे, कई अर्थ निकाले जा रहे थे, क्योंकि नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव को बहुत बेहतरीन हॉस्पिटलिटी दे दी थी। तेजस्वी यादव को युवा होने के नाते, और नितिन गडकरी अपने विभाग को लेकर के काफ़ी कॉन्शस रहते हैं, उनके पास कोई भी किसी भी दल का हो बिना भेदभाव के अगर उनका प्रोजेक्ट सही है तो उस प्रोजेक्ट पर वो बिना देर किए तुरंत त्वरित फैसला करते हैं। तेजस्वी यादव भी इसीलिए गए थे, और तेजस्वी यादव ने
नीतीश कुमार के 18 साल के शासन पर, 18 साल के कार्यों पर अपने 8 साल को भारी बना दिया। इसमें कई परियोजनाएं हैं जिसमें राजधानी पटना से जुड़ा हुआ भी है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका विस्तार भागलपुर तक करना है वो भी है। इतना ही नहीं, बिहार का अन्य राज्यों के साथ कनेक्टिविटी, उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और तेजस्वी यादव ये सब कुछ लेकर के गए थे। 6 लेन जेपी सेतु जो है उसके समानांतर एक पुल बनाने की बात जो थी, जिसकी स्वीकृति मिलने पर कहा यह गया था कि जल्दी पूरा किया जाए, तो गडकरी ने इस पर भी आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाए जिससे कि मांग के अनुरूप एनएच से जुड़ी हुई नई योजनाओं को बल मिले और उसे पूरा किया जा सके। इसके अलावे 2 एक्सप्रेसवे का भी डीपीआर तैयार हुआ है जिसमें गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल दिघवारा हल्दिया, इसको भी नितिन गडकरी ने अपने हिसाब से स्वीकृति दे दी है। इसके साथ साथ कई परियोजनाएं हैं जिसमें देरी हो रही थी, जिसमें हाजीपुर छपरा NH-19, मुजफ्फरपुर 22 NH-77, महेशखूंट सहरसा मधेपुरा पूर्णिया NH-107, वीरपुर उदय किशनगंज वीरपुर NH-106, इन सारे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं स्वीकृति मिल गई है और इस पर अब काम भी शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में निर्माणाधीन पटना गया डोभी सड़क को मोटरेबल बनाए रखने के लिए भी बात की है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को बुला करके उनको निर्देश भी दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जो जो डिमांड रखा उन सारे डिमांड को पूरा किया गया जिससे कि बिहार में एक नए तरह का माहौल देखने को मिले। आपने देखा ही होगा कि पिछले करीब 7-8 वर्षों में आपको बिहार में बहुत परिवर्तन दिखे होंगे, कई फ्लाईओवर दिखे होंगे, कई आपको सड़कें दिखी होंगी। आपने देखा कि जेपी गंगा सेतु जो पथ है वो लोगों के कौतूहल और दर्शन का कारण बन गया है, वहाँ लोग जाते हैं, अब छुट्टियों में जाते हैं वहाँ जाकर के लोग अपना मॉर्निंग वॉक करते हैं। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपने देखा होगा कि दबाव जो अन्य सड़कों पर था वो भी कम हुआ है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जब से पिछले 1 साल से आए हैं तब से वो एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लगातार ये बातें कही जा रही है कि तेजस्वी यादव आने वाले बिहार के लिए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और लोगों में अपनी पैठ बना रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से भी बहुत कुछ लेना देना है। इसके साथ साथ जो तस्वीरें आपने देखी होंगी उन तस्वीरों में नितिन गडकरी के साथ जो उनकी बातचीत हुई है और जिस तरह से उनकी मीटिंग हुई है वो मीटिंग देख करके आपको लग रहा होगा कि काफ़ी संतोषजनक है। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि वो इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेस का विस्तार भागलपुर तक किया जाएगा, इसकी भी स्वीकृति मिल गई है। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ गुरुवार को दिल्ली में मुलाकात जो हुई तेजस्वी यादव की, वो पथ निर्माण मंत्री भी हैं, आमने सामने बैठ करके बात हुई और बिहार से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं पर चर्चा भी हुई। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के डीपीआर का काम शीघ्र प्रारंभ करने तथा रक्सौल दिघवारा हल्दिया के बीच एक्सप्रेस के डीपीआर पर काम शुरू करने को लेकर के सहमति भी बन गई है, इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव ने जो प्रयास किया वो सफल होता नजर आ रहा है और आने वाले 2025 के चुनाव में ये सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी तेजस्वी यादव के काम करने और उनके सोच पर। यानी कि 2025 से पहले तेजस्वी यादव ने अपने आप को पूरी तरह से अब संतुलित करके बिहार के लोगों के सामने प्रदर्शित करने का और बिहार के बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के 18 साल पर कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव का 8 साल भारी पड़ जाए। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2024 चुनाव से पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव ने तैयारियां शुरू कर दी है उसका असर 2025 में देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।